तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अक्षय व्लॉग्स में। और आज है हमारा छठा दिन विंटर स्मृति का। आज शायद मैं ही सबसे पहले जगह हूँ मेरी मॉर्निंग। तो आज हमारा टारगेट है कल्पा। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन, और अक्षय व्लॉग में स्वागत है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो जी अभी लोगों को तैयार होने में देरी है, तो मैंने कहा मैं एक चाय पकड़ लेता हूँ और अंगीठी के सामने बैठ गए। तो जी गड्डी होगी पैक तो तैयार निकलने के लिए कल्पा वास्ते। गुड मॉर्निंग सर। आज टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है, फोरकास्ट है बर्फ़ का, लेकिन बर्फ़ पड़ेगी तब जब मैं निकल जाऊँगा। तो जी सुबह को हो रही है 9:30, हम लोग निकल चुके हैं कहाँ से कल्पा के लिए। लगभग पूरे दिन का ही सफ़र है, तो रुक के रुकाते जाएंगे दाम होना वगैरह जो भी होना। और ये देखिए रॉयल तो जी हमारे ग्रुप की एक गाड़ी है, उसकी जो पजेरो है उसी में थोड़ा सा इशू हो गया, फिर से पिकअप नहीं ले रही है। तो उनको बोला है रोकने के लिए, अभी वो गाड़ी रोकेंगे, देन देखते हैं कि क्या सीन है। ये पूरी स्पीति नदी है जो आपको दिख रही है सामने फ्रोजन। कूलेंट तो वो भैया कह रहे हैं ओवरफ्लो होता ही है। नहीं वो कई बार जाके ना कहीं किसी भी चीज में चला ना गया फिल्टर वगैरह में, मैं उसको रख देती हूं। ऐसे तो नहीं, और एक पाइपें देखनी पड़ेंगी, ये कहीं से फटी तो नहीं हुई ना। टर्बो टर्बो ये टर्बो है। ऐसे तो नहीं लग रहा है, ये तो ये चोक तो नहीं है, इसमें तो डस्ट बहुत कम है। हां ये तो अभी तो चेंज करवाया है, क्लीन है। पाइप एक बार देख लेना कि किसके अंदर, कुछ डब्बे के अंदर देखना कोई कचरा वचरा तो नहीं। से कौन सी औलाद ना मदन आसवाद, तुमने फोटो छोड़े नहीं किसी हमारे। अजी सर मैं सर खींच रहे हैं। अच्छा। कि इस बार मैन ऑन ड्यूटी सर, इन्होंने बहुत खींची है, मैंने अभी खींच दी है। तो दिस बेटर नाउ, अब सांस नहीं ले रही गाड़ी और पावर फुल ऑन चल रहा है। बैटरी इशू था, एयर फिल्टर भी चेक कर लिया, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। या अजीत जी सो नाउ इट्स रेडी टू गो। राइट यार, तो पानी स्टोर कर लेगा ना भैया। नाइस आर्टिफिशियल प्लेस उसने बनाया था सोना पंचों ने जी। ब्यूटीफुल यार। हाँ जी तो जी हम लोग पहुंच गए ताबो ब्रिज पे। इसके बाद ताबो शुरू हो जाएगा जो कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे है। और यही है ताबो ब्रिज। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बड़ी सही सी है जो मैंने पीछे वीडियो में दिखाई है, बट तो वो जो सोनम वांगचुक जी ने बनाने शुरू कर रहे थे ग्लेशियर्स ना, वर्चुअल नहीं कह सकते ये वाले टेम्प्ररी काइंड ऑफ, तो स्टोरेज ऑफ वाटर अच्छा हो सकता है यहाँ पे ना, पेड़ पौधों के लिए गर्मियों के लिए। ताबो मिनिस्ट्री के लिए राइट ले लिया और ताबो विलेज क्रॉस किया है अभी। पुलिस भी है। हाँ अच्छा, विलेज का पार्टी है मतलब। ताबो स्पीति वैली का सबसे वेल एस्टेब्लिश विलेज है, रिच भी है। ओके कल्चर भी और इकोनॉमी। ग्राम पंचायत ताबो आपको हार्दिक अभिनंदन करती है। नाइस ताबो मॉनेस्ट्री। तो जी ये है ताबो शहर कह लो चाहे कस्बा कह लो जो भी है। और ये यहाँ का
विश्राम गृह है ताबो का, जो गवर्नमेंट वाला होता है, तो अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। मैंने पूछा था भैया से, नॉर्मल है, डबल वैक्सीनेटेड आपको होना चाहिए, और यहाँ पे SBI का ATM है, मैंने अभी कैश निकाला है, कैश जितना हो सके इन हैंड रखें, लेकिन काजा में एक ATM है जो कभी मतलब मैक्सिमम टाइम ख़राब ही रहता है, तो अगर आप विड्रॉल फॉर्म भर के निकालना चाहते हैं वैसे भी कैश निकल सकता है, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे ताबो में ATM है, फर्स्ट क्लास चलता है, मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM का टाइम होता है, उसमें आप आराम से अपना कैश निकाल सकते हैं। सेम लिमिट है जो आपके 10,000 रुपये अनदर बैंक से निकलते हैं। उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं अंदर मॉनेस्ट्री की तरफ, ताबो मॉनेस्ट्री। यहाँ पे होम स्टे बहुत सारे हैं, तो अगर आपको रहना है तो ऐसा नहीं है कि आप बुकिंग करा के आएँ, अगर है कोई जान पहचान का फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वीडियो में कुछ कुछ होम स्टेज का फ़ोटो डालता जा रहा हूँ, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सो इनको फ़ोन कर सकते हैं आप प्री बुकिंग के लिए, वो भी है, प्लस यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी होती है, छोटी मोटी शॉप्स हैं यहीं की। तो पॉइंट तो यही है कि अच्छा है कि अगर आप कॉल करते हैं वो ज़्यादा बेटर है, कॉल ना कर पाएँ तो। वैसे मैं जो लास्ट की उन्हें सेशंस मैं करूँगा इस ट्रिप का स्पीति का, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग। तो जो भी सवाल हो कमेंट में डालते रहो, आई विल बी आंसरिंग इन द एंड ऑफ द होल सेशन बोलोगे, क्या बोलोगे, होल ट्रिप। तो ये है एंट्री हमारी ताबो मॉनेस्ट्री की, मैं इसकी फोटो ले। तो हम जब साथ में होते ना फिर बार बार। हाँ जी हाँ जी बताना। So, ताबो, हाँ, It's good if you kill. मोनेस्ट्री है, 991 AD में मोनेस्ट्री बनी थी, रिनसिन ज़ांगपो ने ये मोनेस्ट्री बनाई है, और इसके अंदर जो पेंटिंग्स है वो सेम ऐसी पेंटिंग्स है जैसे अजंता और एलोरा। ओके। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये वही पेंटर ने बनाई है जिसने वहाँ पे बनाई है। अच्छा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहाँ पे मट के बने हुए हैं टेम्पल्स, एक ये है पीछे उसका नाम गोल्डन टेम्पल है, तो इन सब के अंदर पेंटिंग्स है, यहाँ हम शूज उतारे हैं अंदर विजिट करेंगे। ठीक है। आज तिब्बतन न्यू ईयर है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी अविनाश भैया, हैप्पी न्यू ईयर। ये फोटो क्लिक करना है बिल्कुल फ्लैश सेम जैसा हमारा। कुछ सालों पहले तक ये मोनेस्ट्री टूटने लगी थी, लोग इतनी केयर नहीं करते थे, तो ASI वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब इसकी रख रखाव करते हैं, उन्हीं के यहाँ पे लोग भी है, गाइड भी है, चाहो तो आप अंदर से बुक भी ले सकते हो। ओके। ताबो मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ताबो मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ओके। तो जी जैसा अविनाश भैया ने बताया था, शायद अगर मिस किया हो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज यहाँ का ताबो का न्यू ईयर है, तो यहाँ पे सारी दावत हो रही है, सारे बच्चों जो गांव के सारे बच्चे हैं उनको बुलाया गया है, तो दावत हो रही है। और ये आप अंकल को देख रहे होगे, ये ना हाथ में लेके धागा लेके घूम रहे हैं, तो ये सबको बांटते हैं आज के दिन न्यू ईयर। और इनका मान मैंने पूछा कि क्यों, मतलब इसका है क्या, क्यों बांट रहे हैं या फिर क्या, तो ये जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कलावा बांध लेते हैं हम लोग, या फिर अपने घर के आगे नज़र के लिए कुछ काला धागा लगा देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये लाल धागा होता है, या तो अपने गले में बांधिए इसको या फिर घर के बाहर बांध दीजिए, तो तरीके से बुरी नज़र से बचाना और आपकी रक्षा करता है। बिल्कुल वही देखिए, सबको खाना रोटियाँ मिल रही हैं। नाइस। और प्रसाद में यहाँ पे चाय भी है, तो मैं चाय पी रहा हूँ, एक चाय पी के फिर आगे देखते हैं आगे वीडियो क्या बनाना है और आगे ताबो से निकलेंगे। एक और बात, जो ये अंदर मॉनेस्ट्री है वो जो है वो गोल्डन टेंपल है यहाँ का, जो भैया ने बताया था वैसे ही। तो अंदर हम लोग गए थे, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही फ्लैश, अगर आपके पास टॉर्च है तो आप टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की फ्लैश अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, रीज़न दो तीन चीज़ें, तो पूरी इनकी जो वॉल्स हैं उन पर पेंटिंग बनी हुई है जो कि 900 AD की बनी हुई है, तो वो फ्लैश लाइट से कहीं फेड ना हो जाए उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ताकि उसको वो मेंटेन कर सकें। और पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी पेंटिंग और मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल कुछ जो हमारे यहाँ अजंता अलोरा वो केव्स में बनी हुई है वैसी कुछ है, तो इट्स नाइस टू बी हियर, सीरियसली अच्छा है यार, यहाँ का बेस्ट स्टे है मैत्रेय रेजेंसी, अगर किसी को आना हो तो ताबो का बेस्ट वन। क्यू विलेज तेज भाई, वी हैव टू वेट फॉर रजनीश भाई, हम लोग चल दिए क्यू मम्मी के लिए, क्यू विलेज। ये भैया क्या GUE है? GUE और वही मम्मी है, वही नहीं विलेज क्या नाम है, तो उसी अच्छा, नाम से उनकी मम्मी। अच्छा, उनका नाम है तेंजिन सांगमो। तेंजिन सांगमो। ओके नाइस। ये हमारे लाइक
क्यू नाला। ओके इसके पीछे चाइना बॉर्डर जो वाइट पहाड़ है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वो जो आपको मंदिर सा दिखाया जा रहा है वहाँ पे ये क्यों मार। अरे हाँ लौंडे यहीं पहुँचे भाई, मिल गए थे यूपी 14 गाजियाबाद के, तो उनको दुआ सलाम करी मैंने। तो यही है हमारी मॉनेस्ट्री जो बनने वाली है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया बता रहे थे, एंड दैट्स दी क्यू मम्मी। अभी इसको अंदर से देखेंगे, आपको दिखाता हूँ। That's the monastery जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। What a view man। तो वो जो आपको दिख रहा है वो इंडिया की लास्ट पोस्ट है, अभी मैं आ जाऊंगा। तो जी यही है क्यों मम्मी, वो जा तो जी मैंने अपना फोन का टाइम चेक करा तो बीजिंग का टाइम आ रहा है, बिकॉज ये जो पहाड़ है इसके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। सो यप, फोन ने ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम लोगों ने अपना अपना फोन का तरीका होता है, मैंने अपने फोन पे ऑटो टाइम जोन रखा हुआ है, तो जैसे ही कंट्री चेंज होती है आई थिंक आई हैव टू जंप फ्रॉम हियर। हाँ जी आई हैव टू एंड आई डिड। सो दिस इज द मॉनेस्ट्री विच इज़ गेटिंग बिल्ट राइट नाउ, बना रहे हैं अभी इसको। तो दैट्स द मॉनेस्ट्री एंड दैट्स चाइना, इसके पीछे माउंटेन के पीछे चाइना ही है। नाइस नो, इंडिया की लास्ट पोस्ट है डिफेंस वाले। सर तो जी हमारा ताबो मॉनेस्ट्री हो चुका है और क्यू मम्मी हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज है नाको, नेक्स्ट स्टॉप नाको में जाके रुकेंगे, वहीं शायद लंच है एंड उसके बाद कल्पा। चलो चलते हैं। क्या नाम है उसका, मुस्लिम नहीं है उसका, हाँ जो बुलेट चलाती है, बुलेट भी चलाती है, उसने करवाई थी स्कॉर्पियो गेट पे मॉडिफाई। अच्छा यार ये बड़ी सही लग रही है यार ये गाड़ी। हाँ नाइस यार गेट अवे। हाँ यार तो जी सफारी का टायर फ्लैट हो गया है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, और लगेगा करीबन करीबन एक घंटा आराम से, मान लो 40 मिनट तो लगेंगे, टायर निकलेगा फिर चेंज होगा फिर टायर लगेगा। टीम इज एट वर्क। वो ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ रुक गए हैं लोग और वो साइड से जाए। जी रोड टूट रहा है, टायर पंक्चर हो चुका था उसके बाद हम निकल चुके हैं, परंतु वही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको रोड नीचे फेंक रहे हैं ताकि, इसलिए हम लोगों को रुकने को बोल दिया गया। सो नाउ वी आर एट अ पॉज, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, भैया कह रहे थोड़ा ठीक ठाक टाइम लगने वाला है तो चेक करने गए, बाकी तो नज़ारे तो हैं ही हैं यार। अगर पहुँचना ना हो ना कहीं डेस्टिनेशन मतलब वगैरह ना हो तो भाई साहब अलग ही फील आता है। अब रुकने को कह रहा है
फॉल ही जम गया। तो जी शाम के हो रहे हैं 4:15, हम पहुँचे हैं नाको, यही वो जगह थी जहाँ से हम लोग गए हुए थे और वापस वहीं आए हैं। तो सेम है, नथिंग न्यू, सेम पीछे माउंटेन है। ये हेलीपैड है जो आपको दिख रहा है, ये हेलीपैड था, अब कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको बंद कर रखा है, बट नथिंग मच टू शो। मैंने ये गांव आपको पहले दिखाया ही था, यही है नाको गांव, और अच्छा सा गांव है, छोटा सा ही है। और बाकी तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग जाके रुकेंगे कल्पा में, जो कि है यहाँ से 3 घंटे का ड्राइव लगा। चलिए फिर मिलते, बने रहो, है ना। तो हम अभी जा रहे हैं नाको विलेज में, नाको लेक, बस बस छुप के आ जाएंगे मत्था टेक के। तो जी यही है नाको लेक का रास्ता, आ जाओ। हाँ हाँ, आप नहीं आ रहे, अच्छा चलो चलो फिर आओ जल्दी। तो हम लोग पहुँच गए नाको लेक, और यहाँ से हैं सीढ़ियाँ, तकरीबन 50 मीटर है। हाँ वो रहा ना सामने, देखो वो रही लेक, धीमे धीमे आओ ना, दो दो स्टेप लेके। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं, एंड पूरी जमी हुई लेक है, डॉग भी घूम रहा है मस्त लेक के ऊपर ना, देख रहे हो, अब दूर से दिख रही होगी लेक ना, पूरी फुल ऑन जमी हुई है यार, बिल्कुल सरलोस्कर लेक जैसा लग रहा है जो शोजा के ऊपर है। सो दैट्स द व्यू, फर्स्ट व्यू ऑफ सेक्रेड लेक, दिस इज ब्यूटीफुल यार, ओह माय गॉड, एवरीवन यार एवरीवन। तो हम लोग सोच रहे थे कि नाको लेक हम स्किप कर दें, बट थैंक्स टू आर स्टार्स एवरीवन वाज ओके टू बी हियर। तो हम लोग लेक पे आ गए हैं, एंड भाई मेरे हाथ जम रहे हैं, बहुत तगड़ा टेम्परेचर गिरा हुआ है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। ओ नाइस यार, आई विल टेक अ शॉट, कपल ऑफ शॉट्स, पिक्चर्स लेना। आ जाएंगे भैया पीछे पीछे, इसलिए रहने दो। तो हमें एक लीटर पूरे पपीज का लीटर मिल गया था, एक 13 पपीज थे, उनकी मम्मा मर गई थी आगे, तो हमने सोचा इन सबको बिस्किट दे। कीप रोलिंग ये। जी यहाँ पे स्नो पड़ी है, कल भैया बता रहे थे, हाँ जी हाँ जी, कतई तगड़ी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, गाड़ी की लाइट में दिखेगी और सही है ना। फ्रेश स्नो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप गाड़ी भी देखोगे तो ये गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर फुल ऑन स्नो है ना। कैरेट यार, सो दैट्स आवर स्टे फॉर टू नाइट, कल आफ्टरनून तक पूरी फुल ऑन स्नो है यार, isn't it nice? तो चलो अंदर चलते हैं, let's see, फुल ऑन स्नो ऊपर ही है ना, ठीक है कोई नहीं, हाँ लेफ्ट में ना, ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं इट्स ओके, चल, थैंक यू। तो जी ये है हमारा आज का स्टे, लुक्स नाइस टू मी, ओह रियली नाइस। चलो पहले सामान फेंकता हूँ, इसमें एक गैलरी भी दे रखी है उन्होंने, विच आई थिंक इज गुड। सो दो, ओ माय गॉड दिस इज, भाई ये सुबह बहुत बेहतरीन लगने वाला है, स्नो है तो जी मुझे बता भी, ओ फक दिस इज ओ माय गॉड, ओ ये मेरी लाइफ का पहला फक, ओ शिट फक, ड्रीम्स डू कम ट्रू, कहावत नहीं है सच्चाई है,
मैंने वीडियो बंद कर दिया था, आज का व्लॉग मैंने एंड कर दिया था कि रात हो चुकी है अब क्या ही होगा। एंड जस्ट आई मेरे को अभी भैया ने बताया कि भैया स्नोफॉल शुरू हो गया है यहाँ पे एंड आई केम आउट। तो मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं ट्रैवलिंग करते हुए, व्लॉग करते हुए तो खैर एक साल भी नहीं हुआ, अभी जनवरी से शुरू किया था, लास्ट ईयर अगस्त से शुरू किया था जब हम लोग लद्दाख गए थे, तो 6-8 महीने हुए हैं। तो लाइफ का पहला स्नो है 10 साल ट्रैवलिंग के बाद, नहीं मिलता यार, नहीं होती, बट हाँ कीप ऑन ड्रीमिंग यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट टूडे टमोरो कभी भी, दिस इज़ वॉट द लाइफ इज़। एवरीवन आज के लिए तो यही कहूँगा कि गुड नाइट एंड ध्यान रखो अपना। स्पिति ट्रिप इज़ अबाउट टू एंड, टुडे इज़ द 6th डे, कल 7th, जैसे मैंने आपको बोल ही रहा हूँ। जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग। आज के लिए यही व्लॉग ख़त्म करते हैं, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड बी सेफ। जय हिंद जय भारत, अक्षा व्लॉग्स, सब्सक्राइब।